हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुके हैं हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत। और अभी मैं आई थी टेरिस पे, क्योंकि इतनी सारी डस्ट थी तो मैं इसने साथ में सोचा यहाँ से थोड़ा झाड़ू भी निकाल लूँ। वैसे आज निकाला तो कोई मतलब तो है नहीं, ये तो रोज ही रात को शाम को आंधी आती रहती है, तो बस फिर भी मैंने निकाल लिया। 3-4 दिन में एक बार निकाल देती हूँ। तो बस सूर्य देवता को भी जल चढ़ा है तो वो भी बादलों में लुक्का छुपी कर रहे हैं, कभी अंदर जाते हैं कभी बादलों से बाहर आते हैं। तो फिर ऐसे लगता है कि सीधा सर्दियों की सीजन से मतलब बारिश की सीजन चालू हो गई। गर्मियों को तो भगवान ने स्किप ही कर दिया कि गर्मी की सीजन इस बार स्किप है। तो बस इसी बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि अभी उनके 4 दिन की छुट्टी है, तो फिर वो दिन भर पढ़ लेते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में उठने के होते नहीं है तो सोते रहते हैं, छुट्टी है तब तक सो जाते हैं, फिर तो एग्ज़ाम है। तो बस इसी के साथ आप लोग भी बने रहिए हमारे आज के एक नए ब्लॉग में। फाइनली सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी और चावल भी मैंने धोकर चढ़ा दिए बनने के लिए। तब तक कोई रोटी खा नहीं रहा था तो रोटी बनाने में भी टाइम बाकी है। तब तक मैंने सोचा ये इमली मतलब 2-4 दिन हो गए लाए हुए, बहुत सारी लेके आए थे तो थैली में ही पड़ी थी, तो अब इसको भी इसकी जगह पर रखना था। तो इतनी सारी इमली तो ये फ्रीज में आती नहीं है क्योंकि बाहर मुझे लगता है ये हमारे 1-2 साल तक चलेगी तो ख़राब हो जाती है। तो थोड़ी सी मैंने इस छोटी सी बरनी में भरी और अब मैं इसे यहाँ बड़ी वाली बरनी में भर कर इसके ऊपर मैं नमक डाल के रख दूँगी ताकि ये ख़राब नहीं होए, क्योंकि सब कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नमक डाल देते हैं इमली के ऊपर तो फिर वो साल भर भी फ्रीज के बाहर रखे तो भी ख़राब नहीं होती। तो फाइनली मैं अभी वही कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी देखिए ये साड़ी पहन के हमारी किस्सू कर रही है ड्रामे। ये किस्सू हमेशा ऐसे ही नए नए ड्रामे करते रहती है और इसको पढ़ाई करते करते ही थोड़ा बहुत कुछ सूझ जाता है तो बस ड्रामे करने में लग जाती है। तो बस अभी किस्सू का यहाँ पर नाटक ही चल रहा है, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। भी हो गई शाम और यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। कैसा होता है ना, सुबह उठते ही चाय चाहिए और दोपहर में उठो तब भी चाय चाहिए। तो बस ये चाय बन गई है और यहाँ पे मैंने मेरे लिए और मासी के लिए चाय ले ली कटोरी में। तो फाइनली आज का मौसम इतना अच्छा है, ये देखो बाहर बहुत अच्छी धूप आई हुई है और सूर्य देवता भी अच्छी तरह से चमक रहे हैं। और ये रहे हमारे की सुबह का। हाँ, मुझे ऐसा मौसम नहीं अच्छा लगता है। तो कैसा मौसम अच्छा लगता है तुझे? बादल हो जाए ऐसा। अच्छा, अरे यार आज ही बादल नहीं है, बाकी तो रोज ऐसे ही हो रहा है। सुबह में नहीं तो आनी चाहिए। तू पढ़ाई नहीं कर रही है? 6 बजे बैठूंगी, 3 बजे बैठी थी उठ गई और अभी 6 बजे बैठूंगी। क्यों, तूने टाइम टेबल सेट किया है क्या? हाँ। और यहाँ पे हमारे युवराज बना भी कर रहे हैं पढ़ाई, जो कैमरा आते ही बालों को सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी सृष्टि भी कर रही है पढ़ाई। सृष्टि सृष्टि किस में पढ़ाई कर रही है? गुजराती। तो चल मैं तुझे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछती हूँ। अपने देश के कितने राज्य है? 28। वाव, है 28। सृष्टि वन मोर क्वेश्चन, अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चल यू विल लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अपने गुजरात के बारे में पूछ लेते। यू भी बता गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। लोगों ने देखा हमारे बच्चों के पास में किताबी ज्ञान के अलावा मतलब जनरल नॉलेज का ज्ञान भी है थोड़ा बहुत। भी मतलब पूछे इजी क्वेश्चन थे फिर भी वो एकदम फटाक से बता देते हैं, वो वाली बात होती है। तो बस अभी मैंने चाय के बर्तन निकाल लिए धोने के लिए और यहाँ पे भिगोई है चने की दाल। और ये दाल इसलिए भिगोई क्योंकि हम बनाएंगे अभी दूधी मतलब आल की सब्जी। तो ऐसे आल की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो थोड़ी सी चने की दाल भी भिगो दी। तो बस पहले कर लेंगे बर्तन क्लीन तो फिर मासी काटेगी सब्जी। यहाँ पे ये आल की सब्जी बनके हो चुकी है रेडी। ये देखिए देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है। तो इसके साथ में हम बनाएंगे ये लाजवाब चटनी। ये देखिए यहाँ पे हरा धनिया लिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा लीला लहसुन, इनको हमने अच्छे से धो लिया और यहाँ पे हमने काट लिया। अब ये जो लहसुन कूटने वाला है उसमें थोड़ा नमक डाला, लहसुन डाला। अब पहले लहसुन को कूट लेंगे, फिर इसमें ऐड किया जीरा साबुत और ये जो तीनों हैं इनको एक एक करके मैं इसमें पहले कूट लूँगी। इसको मैं मिक्सर में नहीं पीसूँगी।
तो यहाँ पे एक एक करके पहले मैंने पुदीना, लहसुन, हरा और हरे धनिये को ये देखिए इतना अच्छा बारीक से कूट लिया। 5 मिनट लगे इसको कूटने में। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्ची ऐड करने के बाद में इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। थोड़ा सा नमक कम था तो वो भी मैंने ऊपर डाल दिया नमक और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको इसमें बाउल में कर लूँगी खाली। तो यहाँ पे मैंने चटनी को बाउल में खाली कर लिया और चटनी को देख के मतलब मुँह में पानी आने लग गया। तो मैंने ये सुबह की आधी रोटी रखी हुई थी उस पर मैंने चटनी भी ले ली और खा भी ली और इतनी अच्छी टेस्टी बनी है। मासी को पूछते हैं मासी को कैसी लगती है। तो यहाँ पर हमारी लाजवाब, मैं इसका नाम ही लाजवाब चटनी रखा है मैंने, तो मुझे लाजवाब ही लगती है। लाजवाब चटनी बनके हो चुकी है रेडी। और ये रहे हमारे मासी जी। मासी ये चटनी कैसी लगती है खाने में? लाजवाब लगती है। अगर अपने को मतलब अच्छा नहीं हो और ये चटनी देखे ना तो हाँ। इससे एक की जगह 2 रोटी खा सकते हैं, इतनी लाजवाब है ये। और इजी भी है बनाने में भी। तो चलो मैं पहले खा लेती हूँ मेरी रोटी आधी। तो अब यहाँ पे ये मासी का कपड़ा पड़ा था और ये सारी बुक्स थी, तो मैंने अभी मैंने कपड़े सब सही रखे। तो ये जो ग्लू है ये भी यहीं पे था। इस ग्लू यहाँ पे ये देखिए वाइट वाइट दिख रहा होगा, इस पर ग्लू लगाया और फिर यूवी ने ये यहाँ पे ऐसे नोट चिपका दी, तो मुझे अभी जस्ट पता चला है। और यहाँ पे ये ताई जी का कपड़ा, इसने ये बिगाड़ दिया इस ग्लू से। तो बताते हैं ताई जी का एक्शन क्या होता है। मासी उतारन कुर्ती रहो कहीं चेटियो है, मैं हवड़ती थी जो को मैं है आटो तो तू धोयोड़ी है नहीं धोयोड़ा आटो उतरे को नहीं कहीं। ओ माँ वो चिप चिप कर रहा है कोई चिंगम चेटाड़ी कहीं। हाँ टाबो को चिंगम चेटाड़ी कौन चेटाड़ी रही है मासी? मैं वट देख जो को एकदम माँ चिंगम कौन चिप गई गोगी ओ वो चिप गई तो बस अभी यहाँ पे ले लिया मैंने मेरे लिए खाना, रोटी, ये दूधी की सब्जी और साथ में ये चटनी। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।